हे एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज आरसी ट्रेवल्स व्लॉग। सो आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आपके पास आ चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है और जिसका बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर यूज़ किया जाता है। अगर मैं बात करूँ ट्रैवल सेक्टर के अंदर, तो फ्लाइट के बाद उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन रेलवे। तो आज हम इंडियन रेलवे में एक ऐसी ट्रेन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट, बहुत ज़्यादा लग्जीरियस एंड अपने सेगमेंट में बहुत ज़्यादा फेमस ट्रेन है, जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। सो आज हम जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, वो स्पेशली न्यू दिल्ली से लखनऊ के लिए लोगों के लिए लेके आए हैं, बिकॉज आज हम ट्रैवल करने वाले हैं न्यू दिल्ली से लखनऊ के लिए तेजस एक्सप्रेस के अंदर। तो इसमें आपको फुल डिटेल के अंदर हम आपको बताएंगे क्या टाइमिंग्स है, क्या फेयर रहता है, कितने घंटे में वो जो है न्यू दिल्ली से लखनऊ पहुंचती है, और रेस्ट आपकी जो जो क्वेरीज होगी डेफिनेटली कमेंट में लिखिएगा, मैं डेफिनेटली उसके रिप्लाई आपको कमेंट में दूंगा। तो चलते हैं यार, फटाफट इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो उससे पहले जिन जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, शेयर करो, एंड जो जो इस चैनल पर भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आई नो मेरी फैमिली ने तो सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है। बाकी जो जो लोग अभी इस ब्लॉग पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हम इस बारे में बात करते हैं। उससे पहले चलते हैं, फटाफट रेडी होते हैं और रेलवे स्टेशन के लिए निकलते हैं। तो मिलते हैं आपसे रेलवे स्टेशन में। Few moments later. Finally भाई हम आ चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। यार ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई, थक गया मैं, बहुत दूर जाके हमारा प्लेटफॉर्म था, यहीं पर हमारी ट्रेन आएगी। और ये है लॉन्च एरिया, जो कि 10 रुपये घंटे के हिसाब से आपको दिया जाता है। सो भाई लोग, फाइनली हम पहुँच चुके रेलवे स्टेशन। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय की होगी राइड। यार एक्चुअली क्या, रेलवे स्टेशन में बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, इसलिए मैं इस क्लिप को यहाँ पर ऐड ऑन करने जा रहा हूँ, बिकॉज ये वेरी इन्फॉर्मेटिव क्लिप रहने वाली है। तो चलिए यार बात करते हैं हम, जैसे कि आपको बताया कि हम तेजस एक्सप्रेस जो है वो ट्रैवल करने वाले हैं न्यू दिल्ली से लखनऊ के लिए। तो आइए, क्या क्या चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में आती है ट्रैवल करने से पहले। सबसे पहला पॉइंट होता है कि हम इस ट्रेन की टिकट को बुक कैसे करें। तो मैं बता देता हूँ आपको, इसके दो रास्ते हैं ट्रेन को बुक करने के। नंबर वन है IRCTC ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं। नंबर टू जो है वो तेजस एक्सप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इस ट्रेन को आप बुक कर सकते हैं। तो आइए, क्या क्या चीज़ें हम इसमें हमारे को जो है मोस्टली जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले लोगों का दिमाग में आता है, यार हम ट्रैवल तो कर रहे हैं लेकिन इसका क्या फेयर रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या फेयर इसका रहने वाला है। जैसे कि हमारी टिकट की अगर मैं बात करूँ, तो उससे भी पहले मैं आपको बताता हूँ, इसमें बेसिकली दो कैटेगरी की सीट्स होती है। एक होती है एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास और एक होती है AC चेयर क्लास। एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास और AC चेयर क्लास में ऐसा नहीं है कि दोनों में एग्जीक्यूटिव में AC नहीं होगा, AC चेयर क्लास में AC होगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में AC रहता है। कुछ सर्विसेज जो है वो एग्जीक्यूटिव में नहीं दी जाती है, और जो AC चेयर क्लास के अंदर वो एक फुल पैकेज डील के साथ आती है। तो आइए चलिए बात करते हैं क्या क्या चीज़ें इस पैकेज के अंदर इंक्लूडेड होती है और क्या इसका फेयर प्राइस रहता है। तो मैं आज आपको बता देता हूँ, हमारी जो टिकट है वो है AC चेयर क्लास की, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडिंग है और इसका क्या प्राइस मुझे पड़ा है। तो इसका जो मुझे प्राइस पड़ा है वो पड़ा है 1809 रुपये में, मुझे ये टिकट पड़ी है न्यू दिल्ली से लखनऊ के लिए। आई होप अगर आप कुछ दिन पहले करेंगे तो आपको थोड़ा कम भी पड़ सकता है, बिकॉज मैंने एक दिन पहले जस्ट तत्काल में रात को ही करी है, पिछले कल रात को मैंने टिकट बुक करी और आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो माइट भी इस करके भी मुझे शायद महंगी पड़ी होगी, लेकिन अगर आप कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले टिकट बुक करेंगे तो शायद 100-200 रुपये आपको कम हो सकते हैं। बट लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ जो मुझे पड़ा है भाई। तो मुझे जो फेयर पड़ा है वो 1809 रुपये का फेयर पड़ा है, जिसमें कि AC चेयर क्लास टिकट मैंने ली थी। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर वाटर जो है वो इंक्लूडेड रहता है, वाटर बॉटल जो है वो इंक्लूडेड रहती है। नंबर टू, एक स्नैक्स जो है वो इंक्लूडेड रहता है। नंबर थ्री,
अगर हम दिन से ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पर, डेस्टिनेशन हमारी रात को पहुंचने का है, तो लंच और डेफिनेटली लंच और डिनर में से हमारा एक रहेगा। लंच तो नहीं रहेगा, हम 3 बजे ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली डिनर ही होगा इसके अंदर। अगर हम मॉर्निंग में ट्रैवल कर रहे हैं तो, और हमारे जो अराइवल है वो 4 बजे के अराउंड है, तो डेफिनेटली उसमें लंच होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। मैं आपको दोबारा से एक बार क्लियर करके बता देता हूँ कि ये टोटली डिपेंड करता है आपकी ट्रैवल टाइमिंग्स के ऊपर। अगर आप मॉर्निंग की ट्रेन कहीं से कर रहे हैं, जैसे सपोज़ मैं लखनऊ के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने 3:40 वाली ट्रेन को मैंने बुक किया है, जो 3:40 में न्यू दिल्ली से लखनऊ के लिए निकलती है। बट माइट भी आप अलग अलग स्टेट्स के लिए इस ट्रेन को बुक करेंगे तो वहाँ की जो जर्नी टाइमिंग्स है, जो आपकी ट्रैवल टाइमिंग है, वो डिफरेंट हो सकती है। तो जो भी लंच डिनर है वो डिपेंड करता है आपका क्या ट्रैवल टाइम है। ओके, इसमें अगर आप मॉर्निंग का भी करें तो डेफिनेटली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। बट लेकिन मेरी टिकट में क्या क्या इंक्लूड है वो मैं आपको बता देता हूँ। वाटर बॉटल मैंने जैसे आपको बताया। सेकेंडली इसमें स्नैक्स जो आपके लिए आ जाता है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। थर्ड, मेरा 10 बजे का अराइवल था, 10 बजे का अराइवल था, तो डेफिनेटली मेरा डिनर इसके अंदर इंक्लूडेड था। और इसके अंदर डिनर में दोनों ऑप्शंस रहते हैं, बोथ नॉन वेज एंड वेज। कोई ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इसके अंदर ट्रेन टिकट के अंदर, ये टोटली डिपेंड करता है। आप वेजिटेरियन हो तो आप वेज क्लिक कर लो, नॉन वेज है तो आप नॉन वेज क्लिक कर लो। मेक श्योर, ये ध्यान रखना, जिस टाइम आप टिकट बुक करते हैं उस टाइम पर आपको ये चीज़ क्लिक करनी है कि यू आर अ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, बिकॉज उसके अकॉर्डिंगली ही आपको खाना दिया जाता है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं इसकी टाइमिंग्स की, तो जो दिल्ली से इसकी डिपार्चर टाइमिंग है वो है 3:40 में, जो कि एग्जैक्ट अपने टाइम पे ही निकलती है। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, अगर आप न्यू दिल्ली से लखनऊ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेक श्योर कीजिएगा कि आप आधे घंटे पहले रेलवे स्टेशन पर आ जाए, बिकॉज ये ट्रेन अपने टाइमिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा पंचुअल है। ये 2 मिनट भी, 1 सेकेंड भी लेट नहीं होती है। तो मेक श्योर आप टाइम पर जो है वो पहुँचे अपने रेलवे स्टेशन, नियर बाय रेलवे स्टेशन में। सेकेंडली हम बात करते हैं ये कितने बजे लखनऊ पहुंचती है। तो ये लखनऊ जो पहुंचती है वो रात को 10:05 में एग्जैक्ट ये लखनऊ पहुंचती है। और अगर हम थर्ड बात कर रहे हैं, वो बात करते हैं स्टेशंस के बारे में कि कहाँ कहाँ ये ट्रेन रुकती है और हम न्यू दिल्ली के अलावा कहाँ कहाँ से इस ट्रेन को जो है वो ले सकते हैं लखनऊ के लिए। तो आइए बात करते हैं, आप नंबर 1 गाज़ियाबाद से भी आप इस ट्रेन को ले सकते हैं। नंबर 2, अगर कानपुर से कोई लखनऊ जाना चाहता है तो डेफिनेटली कानपुर से भी आप जो है वो लखनऊ के लिए इस ट्रेन को ले सकते हैं। बट जो कानपुर से लखनऊ के लिए जो लाइक ये ट्रेन में जो भी लोग कानपुर से लखनऊ के लिए बैठेंगे, तो डेफिनेटली उसको कोई भी मील इसके अंदर जो होगा वो एड ऑन नहीं होगा, एक्सेप्ट वाटर बॉटल के। आइए आगे हम बात करते हैं। तो टोटल जो टाइमिंग ये जो ट्रेन लेती है न्यू दिल्ली से लखनऊ के लिए, वो लेती है 6:25 एग्जैक्ट, ये आपको जो है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देती है। और हम बात करें इसका फेयर का, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। तो आइए चलिए ट्रेन में चलते हैं, आपको बताते हैं क्या क्या खाने में मिलेगा, क्या क्या चीज़ें हमें स्नैक्स में दी जाएगी, क्या क्या हमें डिनर में दिया जाएगा, और किस तरीके की ट्रेन है, क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो ट्रेन में दी जाएगी। तो आइए चलिए ट्रेन में बात करते हैं। आइए चलते हैं ट्रेन में। तो ये है पेंट्री एरिया, ये इधर को वॉशरूम है, और ये है इलेक्ट्रिक गेट जो कि खुल जा सिम सिम, आई नो थोड़ा सा स्लो है। और अच्छा, बात करते हैं अंदर ट्रेन की। तो ट्रेन में कुछ इस तरीके की सीटिंग्स हैं, जहाँ की सामने प्रॉपरली जो है LED लगी हुई है, एंड यहाँ पर जो विंडोज़ है ये सारी ऑटोमेटिक है। इसमें जो बाइंडिंग्स लगी हुई है, इसमें आपको मतलब हाथ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, विजिबल नॉन विजिबल ऊपर नीचे ये ऑटोमेटिकली बटन से ही हो जाते हैं। बहुत अच्छा है यार। मोस्टली क्या होता है ट्रेन्स में हम चलते हैं तो दिन के टाइम धूप बहुत ज़्यादा अंदर आती है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। अब हो चुका है स्नैक्स टाइम। तो देखते हैं स्नैक्स में क्या सर्व हमें हुआ है। तो देखते हैं स्नैक्स में हमें हुआ, एक नमकीन है, एक जूस है, एक कचौरी है, और एक स्वीट क्रीम है। आराम से हम TV देखते हुए यहाँ पर अपना मील इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही ये रेडीमेड टी के लिए जो है ये हॉट वाटर दिया जा रहा है, ताकि हम उसमें इजी डिप डाल के अपनी चाय बना सकें। तो गर्म पानी हमें सर्व हो गया था, साथ में ये जो किट मिली थी हमें, इसके अंदर हर एक चीज़ अवेलेबल होती है, शुगर से लेके मिल्क पाउडर से लेके एवरीथिंग।
सो चाय हमने पी ली थी और बैठे बैठे हम थक गए थे। अब हम सोच रहे थे कुछ, लेकिन उतने में हमारा जो है डिनर सर्व हो चुका था। डिनर में क्या क्या हमारे को सर्व हुआ था? डिनर में हमें जो है हमारी वेज मील थी, तो वेज मील के हिसाब से दाल रोटी एंड चावल कर्ड, और साथ में बाद में आइसक्रीम भी हमें मिली। साथ में हम म्यूज़िक भी इंजॉय कर रहे थे। अब हम जा रहे हैं वॉशरूम। तो आइए अगर बात करते हैं वॉशरूम की, तो कुछ इस तरीके का वॉशरूम है जिसमें कि एक वॉश बेसिन आपको मिल जाता है, एक अच्छी खासी इंग्लिश शीट आपको मिल जाती है, एक वर्किंग जेट आपको मिल जाता है, एक अच्छी आपको फ्लश मिल जाती है और वेंटिलेशन मिल जाता है। A few moments later. सो हम फाइनली पहुंच चुके हैं लखनऊ। तो लखनऊ का कुछ रेलवे स्टेशन जो है वो कुछ इस तरीके से है, इतना भी बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा और बड़ा है। अबे का बदतमीजी है ये, कौन उंगली डालता है भाई, क्या करे, किसी की मजबूरी जो है वो कैप्चर हो गई। चलिए घर चलते। फाइनली हम आ चुके हैं ऑटो पे। मेरी हमेशा से आदत रही है, मैं चाहता हूँ यार कि ऑटो वालों के लिए भी अच्छा बिजनेस मिले, तो मैं गाड़ी कभी घर से नहीं बुलाता, तो मैं ऑटो में ट्रैवल करता हूँ। तो चलो फटाफट घर पहुँचने वाले। सो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो गिव इट अ थम्स अप, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आपके लिए ये ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव रहा या नहीं, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स लाता रहूँ। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टिल बाय, सी या।